मदरसे में गैर हिंदू बच्चों को मजहबी तालीम न दिए जाने के सरकार के फैसले का भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्वागत किया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे मदरसे जो केवल मजहबी तालीम देते हैं उन्हें न तो जमीन दी जाए और न ही उन्हें अनुदान दिया जाए। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर गैर हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जा रहा है तो ऐसे मदरसों पर कार्यवाही की जानी चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। ऐसे मदरसों को अनुदान भी नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि 75 साल की राजनीति के इतिहास में 50 साल से अधिक कांग्रेस की सरकार रही है, उनको स्कूल कॉलेज खोलने से किसने रोका था। हमारी सरकार न केवल स्कूल कॉलेज खोल रही है बल्कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो ऐसे मदरसों पर कार्रवाई भी किया जाए, प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जाए और जेल में भी भेजा जाए, और अनुदान तो बिल्कुल नहीं दिया जाए। और जो अधिकारी कर्मचारी इस आधार पर अनुदान दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।